दादी माँ की बहुत ही आसान 35 बेस्ट किचन टिप्स बहुत ही कमाल के हैं, जरूर सुने। नंबर एक, डायबिटीज से राहत पाने के लिए 8 से 10 करी पत्तों को चबाकर खाएं। इससे आपका वजन भी घटेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। नंबर दो, गाय के दूध में तुरंत चीनी ना मिलाएं, इससे पोषक तत्व कम हो जाते हैं। नंबर तीन, जिन लोगों को एनर्जी लेवल डाउन होता है उन लोगों को उड़द दाल का सेवन करना चाहिए। नंबर चार, नीम का तेल लगाने से त्वचा की समस्याएं दूर होती हैं। नंबर पाँच, नारियल तेल से बालों की मालिश करने से बाल मजबूत होते हैं और घने भी होते हैं। नंबर छः, अगर आपके हद से ज़्यादा बाल झड़ने की समस्या है तो आपको रोज सौंफ खानी चाहिए, इससे जल्दी ही बाल झड़ना कम हो जाते हैं। नंबर सात, शहद का सेवन करने से गले की समस्याएं दूर होती हैं। नंबर आठ, लौंग का सेवन करने से दांतों की समस्या दूर होती है। नंबर नौ, चेहरे पर तुलसी के पत्तों का रस लगाने से मुहासों से छुटकारा मिल सकता है। नंबर दस, नारियल का पानी पीने से बुखार कम हो जाता है। नंबर 11, किचन के सिंक की चमक को बनाए रखने के लिए नींबू के टुकड़े से सिंक पर रगड़े, यह न केवल सफाई करेगी बल्कि गंध भी दूर करेगी। नंबर 12, चने का सत्तू बनाकर पीने से गैस्ट्रिक के मरीज को लाभ होता है। नंबर 13, मेथी के पत्तों का सेवन करने से मधुमेह की समस्या नियंत्रित रहती है। नंबर 14, नहाने से 20 मिनट पहले अपनी पूरी बॉडी पर नारियल का तेल लगाएं, इससे आपकी त्वचा का रूखापन चला जाएगा और जबरदस्त निखार आता है और स्किन भी ड्राई नहीं होगी। नंबर 15, थायराइड के मरीज को आयोडीन युक्त भोजन करना चाहिए। नंबर 16, थोड़ा सा दही लेकर अपने चेहरे पर लगाएं और 5 मिनट तक हल्की हल्की मसाज करें, यह आपकी स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग, सॉफ्ट और चमकदार बनाता है। नंबर 17, दही को पोषक तत्वों का पावर हाउस भी कहा जाता है। नंबर 18, हल्दी और नमक का मिश्रण करने से दांतों की समस्याएं दूर होती हैं। नंबर 19, नीम का तेल लगाने से त्वचा की समस्याएं दूर होती हैं। नंबर 20, दालचीनी खून को पतला करने में मदद करती है। नंबर 21, बालों का झड़ना भी विटामिन सी की कमी से हो सकता है। शरीर में अगर आपको विटामिन सी की कमी है तो उसके कारण भी आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। इसके लिए आपको विटामिन सी की खट्टी चीज़ों का सेवन अधिक करना चाहिए, जैसे कि संतरा, नींबू और अंगूर। इन सब चीज़ों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। खरबूजा भी विटामिन सी का बढ़िया स्रोत है। नंबर 22, किशमिश खाने से शरीर को कैल्शियम और कॉपर मिलता है। नंबर 23, चुकंदर का जूस पीने से रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। नंबर 24, सहजन की सब्जी में दूध से 3 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। नंबर 25,
सरसों के तेल में अदरक का रस मिलाकर बालों में लगाने से बाल जल्दी सफेद नहीं होते हैं। नंबर 26। इंद्रलोक से आया था ये फूल, चंद पलों में अमीर बनाने की ताकत रखता है यह फूल। पैसों में खेलेंगे आप, पैसों की आपको कभी भी कमी नहीं होगी। कहा जाता है कि ये फूल इंद्र की बगिया से यानी कि स्वर्ग से लाया गया फूल है। माता लक्ष्मी को इतना प्रिय है कि अगर यह फूल उन्हें विधि विधान से पूजा पाठ करके अर्पित कर दे तो माता प्रसन्न होती हैं। इस फूल को अर्पित करने वाले के घर में धन की बारिश करती हैं और उस घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती है। इसके साथ ही यह फूल बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। नंबर 27। तिल बालों के विकास को बढ़ावा देता है। नंबर 28। अमरूद की पत्तियां चबाने से डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। नंबर 29। अखरोट के सेवन से डार्क सर्कल की समस्या दूर होती है और अखरोट में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन हड्डियों के स्वास्थ्य को रखने में बेहतर बनाते हैं। नंबर 30। नाभि में तेल की मालिश करके सोने से नींद अच्छी आती है। नंबर 31। बच्चों की हाइट बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए ये चार चीज मिलाकर बच्चों को खिला दे। एक महीने में रिजल्ट देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले आपको लेने हैं 50 ग्राम सफेद तिल। तिल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मेटाबॉलिज्म को मजबूत और कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है। फिर आपको लेने हैं 200 ग्राम मखाने। मखाने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, इससे आपके बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके बाद आपको लेने हैं 100 ग्राम बादाम। बादाम खाने से आपके बच्चों की याददाश्त तेज होती है, मेमोरी पावर बढ़ता है और शारीरिक विकास बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद आपको लेने हैं 100 ग्राम सौंफ। इन सबको ड्राई रोस्ट करके अच्छे से इसको पीस लें और इसका पाउडर बना लें। फिर एक चम्मच पाउडर दूध के साथ आप अपने बच्चों को दीजिए। इससे आपके बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही अच्छा होता है। नंबर 32। रात को सोने से पहले गर्म पानी पीने से शरीर की सफाई होती है। नंबर 33। हल्दी का सेवन करने से अर्थराइटिस की समस्या नियंत्रित होती है। नंबर 34। नारियल के तेल से दांतों पर मालिश करने से दांतों का दर्द दूर होता है। नंबर 35। जैतून का तेल गहराई से नमी प्रदान करता है, जिससे त्वचा कोमल और मुलायम बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी यह वीडियो समान जानकारी के लिए बनाई गई है। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आप सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लें, फिर यह नियम अपनाएं। फ्रेंड्स, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।